महानगर के जटेपुर उत्तरी हाइडिल कॉलोनी की रहने वाली उर्मिला देवी ने बुधवार को अपनी पुत्री रीमा के साथ जिलाधिकारी के विजयन पांडेन से मुलाकात की और डीएम को बताया कि उनके पति रूपचंद कन्नौजिया कुवैत में एक कंपनी में काम करते हैं। उनके पास वहां का नंबर है जिससे घर पर बात होती थी। 30 अप्रैल को उसी नंबर से किसी इमरान नाम के शख्स ने फ़ोन कर बताया कि रूपचंद की मौत हो गई है और पुलिस लाश लेकर जा रही है। उसके बाद उस नंबर पर कोई बात नहीं हो पाई। उर्मिला ने डीएम के विजयन पांडेन से गुहार लगाई कि उनके पति की स्थिति का सही पता लगाया जाए जिससे कि वे आगे की कार्रवाई कर सकें। इस दौरान जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए रूपचंद की पुत्री रीमा ने बताया। कौन सी काम करते थे, क्या नौकरी में थे, किस नौकरी में थे? लॉन्ड्री का काम करते थे। अच्छा, तो कैसे गुजर गया, हार्ट अटैक कुछ प्रॉब्लम है? रीमा, क्या मामला था डीएम साहब से है? मेरे पापा कुवैत में कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ कंपनी में वहाँ से फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद से कोई पता नहीं है कि उनकी सच में डेथ हुई है कि क्या हुआ। वो लोग बोल रहे हैं बॉडी हॉस्पिटल में छोड़कर हम लोग चले आए और आज 12-13 दिन हो गया, कुछ पता नहीं चला। उसी के लिए हम डीएम सर से क्या थी सालों से वैसे तो 30 साल से रह रहे हैं, बीच में आते जाते रहते थे, इधर नहीं आए, बोले लॉकडाउन के बाद हम आएंगे और 12-15 साल से नहीं आए, तो आने वाले थे लॉकडाउन के बाद और उसके बाद से यही 30 तारीख को सूचना मिली, तब से कोई सूचना नहीं है। कुछ काम इस तरह में करते थे जो पता था क्या काम? लॉन्ड्री में काम करते थे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आप किस नंबर पे? हम दूसरे नंबर पे। और लोग? एक बड़े भाई है, छोटी बहन है। वो क्या करते हैं? भैया ऑटो चलाते हैं दूसरे का और छोटी बहन पढ़ाई करती है। कहाँ रहती है आप? जटेपुर उत्तरी।